हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचालू केमिस्ट्री गुरु जी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग समरी करने वाले हैं ऑफ अमाइंस की, और इस वीडियो में सिर्फ 20 मिनट के अंदर सुपर रिविजन हो जाएगी आपके अमाइंस चैप्टर की एनसीईआरटी की। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि है केमिस्ट्री गुरु जी नीट के नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर की एनसीईआरटी समरी की रिविजन करवाई है, आप लोग उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमाइंस किसे कहते हैं। अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया ऑब्टेन बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद एल्काइल और एराइल ग्रुप। कि ये अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया किसे कहते हैं बेटा जी, हम लोग अमोनिया होता है जैसे कि हमारे पास ये है NH3, है ना। दीज आर दी एल्काइल और एराइल डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। मतलब यहाँ पर H को हटाओगे, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप लगा दोगे H की जगह, या फिर एराइल ग्रुप लगा दोगे। जैसे कि आपने एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया, है ना, बाकी जगह पर हाइड्रोजन बचा रहा। जैसे कि आपने दो जगह पर एल्काइल ग्रुप लगा दिया, है ना, जैसे कि आपने तीन जगह पर एल्काइल ग्रुप लगा दिया। सिमिलरली आप लोग एराइल भी लगा सकते हो, जैसे कि आप लोग लगा दो इधर एराइल बोले तो बेंजीन, है ना, बेंजीन एंड इधर H इधर N, और दो जगह पर आप लोग बेंजीन लगा दीजिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग तीन जगह पर बेंजीन लगा दीजिए इस तरह से। तो इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, जहां पर एक एल्काइल या एराइल ग्रुप हो उसे आप लोग बोलते हो प्राइमरी अमाइन, फिर सेकेंडरी अमाइन, और ये हमारे पास क्या होते हैं बेटा जी, टर्सरी अमाइन होते हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट सेक्शन में, चाहूंगा आप लोग जरूर इनका नाम कीजिएगा। बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, आप लोगों ने बताना है कि इसका नाम क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, आप लोगों ने इसका नाम बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होगा। और तीसरा, इसका नाम आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में आप सबने बताना है। लेट्स सी कितने बच्चों की तैयारी इस चैप्टर में ठीक ठाक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइंस आर नोन एज सिंपल अमाइंस इफ द एल्काइल और एराइल ग्रुप आर द सेम, एंड मिक्स्ड अमाइन इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर आर सॉरी इफ द ग्रुप्स आर डिफरेंट। लाइक समझो हमारे पास एक सेकेंडरी अमाइन है, इधर लगा हुआ है C2H5NH, जिसके दो तरफ एल्काइल ग्रुप होगा C2H5। अगर ऐसा हो जाए तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा जी, ये हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल अमाइन। और अगर ऐसा हो जाए जैसे कि एक तरफ इसके दो कार्बन हो और एक तरफ मानते चलो इसके तीन कार्बन हो जाए, तो इसे हम लोग क्या बोल देंगे, मिक्स्ड अमाइन बोल देंगे। जैसे कि एक NH ग्रुप है, इसके एक तरफ एल्काइल ग्रुप लगा हो और एक तरफ बेंजीन लगा हो। अगर देखिए दोनों तरफ या तीनों तरफ सेम ग्रुप है तो वो सिंपल है, और अगर डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, मिक्स्ड अमाइन कहलाएगा। आगे बोलते हैं, लाइक अमोनिया ऑल दी थ्री टाइप्स ऑफ अमाइंस हैव वन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन नाइट्रोजन एटम ड्यू टू विच दे बिहेव एज लुईस बेस। लुईस बेस किसे कहा जाता है, कभी ना कभी जरूर सुना होगा आप लोगों ने, लुईस बेस कहा जाता है विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बेस कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये है अमोनिया है, है ना, कुछ इस तरह से अमोनिया होता है। जैसे कि मेरे पास कोई भी अमाइन है, मैं प्राइमरी अमाइन मान ले रहा हूँ, इसी तरह से आप सेकेंडरी टर्शियरी को मान सकते थे। ठीक है, अब इन सबके पास, अब अमोनिया के पास लोन पेयर है तो लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है, इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर ये भी डोनेट कर सकता है। तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या कहलाएंगे बेटा जी, ये दोनों ही यहाँ पर कहलाने वाले हैं लुईस बेस। आगे बढ़ते हैं, अमाइंस आर यूजली फॉर्म्ड फ्रॉम नाइट्रो कंपाउंड्स। कहाँ से बनाए जाते हैं, नाइट्रो कंपाउंड से, हैलाइड से, अमाइड से। अब जैसे कि हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड किसे कहते हैं, RC(NN). आप इसकी रिडक्शन कर दीजिए, रिडक्शन के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, जैसे कि आप लोगों ने LiAlS4 ले लिया या फिर सोडियम ले लिया विद इथेनॉल, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएंगे, बन जाएगा RCH2NH2. आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो एल्केन्स या नाइट्रो ग्रुप वाले जहाँ पर भी हों, एल्केन्स जरूरी नहीं है, नाइट्रो बेंजीन में भी हो सकता है। जैसे बेंजीन है और यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, अब इस ऑक्सीजन को हटाना है और यहाँ पर आप हाइड्रोजन लगा सकते हो, और उसके लिए अगेन रिड्यूसिंग एजेंट लोगे, आप रेने निकल ले सकते हो, रेने निकल का मतलब होता है दानेदार निकल। इसके बाद Fe ले सकते हो विद HCl, हाइड्रोजन ले सकते हो विद प्लैटिनम, SN ले सकते हो HCl, बाकी ज्यादा प्रेफर करते हो आप लोग Fe विद HCl, SN विद HCl, मतलब मेटल को एसिड में डालते हो क्योंकि वहां से फिर हाइड्रोजन रिलीज होता है। जैसे मैं आपको समझाना चाहूँ, जैसे कि मेरे पास नाइट्रो बेंजीन है, ठीक है, नाइट्रो बेंजीन है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी विद Fe एंड HCl, तो यहाँ से 6 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, 6 में से 4 हाइड्रोजन इनको लेके जाएंगे 2H2, और बेंजीन के ऊपर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बेंजीन के ऊपर बच जाएगा बेटा जी NH2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, अमाइड्स अगेन LiAlS4 लिया तो ऑक्सीजन हटेगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आएंगे, बन जाएगा RCH2NH2। बहुत पॉपुलर है, 99% इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इससे नहीं, इससे होफमैन ब्रोममाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या होती है होफमैन ब्रोममाइड डिग्रेडेशन, इसको हैप्पी बर्थडे रिएक्शन भी बोलते हैं, डिग्रेड हो जाता है जब भी आप RCONH2 लेते हो, उसकी रिएक्शन करते हो विद Br2 एंड KOH, तो आप ऑब्जर्व करते हो कि CO ग्रुप यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर RNH2 हटेगा। ठीक है, और मैंने सिलेक्शन की ट्रिक क्या बताई है, बेबी को बेस्ट पसंद है। ठीक है, वैसे तो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एक वीडियो बना रखी है नेम रिएक्शन की, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसमें सारी नेम रिएक्शन बढ़िया बढ़िया ट्रिक के साथ है।
क्या होगा, होफमैन का बेबी है ब्रोमामाइड और बेबी को बेस पसंद है, ये है ब्रोम, ये है अमाइड और ये है बेस। तो यहाँ से ये CO बाहर निकल जाता है बेटा जी, और ये RNA शुरू में जाता है। एक आपके पास होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है। होफमैन अमोनोलिसिस में क्या होता है जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपके पास RX है ना, आप उसकी रिएक्शन करा देते हो विद NH3, तो क्या बन जाएगा, ये एक HRX बाहर निकल जाएगा, ये बन जाएगा RNH2। जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है तब तक ये रिएक्शन चलती रहेगी, फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन RX के साथ करवा सकते हो। यहाँ से अगेन एक HRX बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा RNHR, फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन करवा सकते हो विद RX, HX बाहर निकलेगा, ये अगेन एक H है और यहाँ पर एक X है, तो ये HX बाहर निकल गया, ये क्या बन गया R3N, है ना, 3R आ गए, H तो निकल गया R3N, फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन RX के साथ करा सकते हो। अब आप बोल लोगे सर नाइट्रोजन के पास पहले 3 हाइड्रोजन थे, फिर 2 थे, फिर 1 था, अब तो एक भी नहीं, अब कैसे होगी रिएक्शन। यहाँ पर लोन पेयर पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन में, और ये बन जाएगा R4N पॉजिटिव H नेगेटिव, ये है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। बाकी ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप है N के साथ प्राइमरी अमाइन, जहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप है सेकेंडरी अमाइन, और जहाँ पर 3 है टर्शियरी, और ये हमारे पास है क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। नेक्स्ट हमारे पास एक बड़ी फेमस रिएक्शन है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, इसको बोलते हैं गब्बर बेसमेंट में हैलोजन को पानी पिला या बेस पिला, इस तरह से हो जाता है। जैसे कि हमारे पास क्या है थैलीमाइड है, इसकी रिएक्शन आप लोग किसके साथ कराओगे, ट्रिक याद रखिए क्या, गब्बर बेसमेंट में हैलोजन को बेस पिला पानी पिला, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर बेसमेंट यानी कि यहाँ पर बेस आएगा, तो इस एच की जगह पर एक के ग्रुप आ जाएगा, फिर RX के साथ कराओगे तो इस के की जगह पर ये R ग्रुप आ जाएगा, फिर जब NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे ना भाई, तो ये जो H है ये इधर जुड़ेंगे, ये हमारे पास बनेगा RNH2, और ये ONa जो है इसके साथ जुड़ेगा, इसे बोलते हैं सोडियम थैलीमाइड, ठीक है, या फिर इसे थैलिक एसिड भी बोल देते हैं अगर यहाँ पर NA की जगह पर H आ जाता। इस रिएक्शन की खास बात क्या है, जो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस है, ओनली प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन बनाए जाते हैं, इससे एरोमेटिक अमाइन्स नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि यहाँ पर एराइलाइड लेना पड़ता एराइल अमाइन बनाने के लिए, और यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, इस रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई है, और एराइल अराइड जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्यों, बिकॉज एराइल अराइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस वजह से। आगे मूव करते हैं, दे एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच इन्फ्लुएंस देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो अमाइंस होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या हो जाता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे फर्क पड़ता है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। पहले इनकी फिजिकल स्टेट की बात करें, द लोअर एलिफैटिक अमाइंस आर गैसेज, ऑब्वियसली जैसे कार्बन कम होते हैं गैसेज स्टेट होती है, जैसे जैसे कार्बन बढ़ते जाते हैं फिजिकल स्टेट लिक्विड सॉलिड इस तरह से हो जाती है। अमाइंस आर गैसेज विथ फिशी ऑर्डर, प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड एंड हाइयर वंस आर सॉलिड। कलर की बात करें, प्योर अमाइंस आर कलरलेस बट डेवलप कलर ऑन कीपिंग इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, कलर रह सकते हैं, हवा में रखेंगे तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी और वो कलर शो करने लगेंगे। लेट्स टॉक अबाउट सोल्युबिलिटी, अब सोल्युबिलिटी में क्या फंडा रहता है भाई, जैसे कि देखो ये मेरे पास है प्राइमरी अमाइन है ना, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है, ये हमारे पास सेकेंडरी अमाइन है, ये हमारे पास टर्शियरी अमाइन है। आप सबको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन होगी उतनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगी उतनी ज़्यादा इनकी सॉल्युबिलिटी होगी, और जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ते हैं ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स होते हैं जिनकी वजह से सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो ये लिखा है अच्छा कार्बन का भी सीन है, जितना कार्बन की चेन बड़ी होती जाएगी सॉल्युबिलिटी घटती जाएगी। लोअर अमाइंस आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर विच डिक्रीज इन वाटर एंड इंक्रीज इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट विद एन इंक्रीज इन मॉलिकुलर वेट। देखो अगर आप नंबर ऑफ जैसे अमाइन है प्राइमरी अमाइन है, ये भी प्राइमरी अमाइन है बट कार्बन की चेन बड़ी कर लो, जैसे जैसे कार्बन की चेन बड़ी होती जाएगी ना भाई सॉल्युबिलिटी जो है घटती चली जाएगी। क्लियर है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर इंगेज्ड इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाइल टर्शियरी अमाइंस डू नॉट हैव इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, ऐसा भी होता है क्योंकि हाइड्रोजन एटम नहीं होता। तो बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, प्राइमरी अमाइन का सबसे ज्यादा, सेकेंडरी अमाइन का कम और टर्शियरी अमाइन का सबसे कम। सिमिलरली सॉल्युबिलिटी भी होती है, प्राइमरी अमाइन की सबसे ज्यादा, सेकेंडरी की कम और टर्शियरी की उससे कम। ये बात है इनकी फिजिकल। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेसिक करेक्टर ऑफ अमाइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो देखिए अल्काइल अमाइंस जो होते हैं इनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जिसकी वजह से प्लस आई इफेक्ट आता है, एक स्टीरिक इफेक्ट भी आप कंसीडर करते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फैक्टर को भी कंसीडर करते हो, एंड इस बेस पे ये कई सारे फैक्टर्स पे इनका बेसिक करेक्टर जो है डिटरमाइन किया जाता है। अल्काइल अमाइंस जो होते हैं वो हमेशा ज्यादा बेसिक होते हैं देन अमोनिया, क्यों, देखो जैसे कि हमारे पास अमोनिया है ठीक है, और मैं सबसे बेसिक एक अल्काइल अमाइन की बात कर रहा हूं, जैसे मेरे पास प्राइमरी अमाइन है
देखिए बेसिक का मतलब क्या होता है कि कौन अपने लोन पेयर को इजीली डोनेट कर पाएगा। अभी जो अल्काइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना इनको पसंद है, जिनकी वजह से प्लस आई इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ और ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा अगर आपसे कोई केबी बोले, केबी का मतलब होता है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ बेस, अगर कहीं पर केबी की वैल्यू बढ़ रही है ना तो इट मीन्स वहां पर बेसिक करेक्टर बढ़ रहा है, वहां पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, ठीक है। और अगर कहीं पर पी के बी क्या मतलब क्या होता है, नेगेटिव लॉगरिदम ऑफ के बी, तो ये क्या होता है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के। कभी भी कंफ्यूजन में मत रहना, के बी का मतलब बेसिक स्ट्रेंथ और पी के बी मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होता है। लिखा भी गया है लार्जर द वैल्यू ऑफ के बी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पी के बी स्ट्रॉगर इज द बेस, अल्काइल अमाइंस आर स्ट्रॉगर बेसिस देन अमोनिया, जो कि यहां पर लिखा गया है। बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमाइन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ेंगे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट आ रहा है। अगर आप यहां पर ध्यान दो गैसियस फेस में अगर मैं बात करता हूं तो सबसे ज्यादा टर्शियरी माइन होगा, देन सेकेंडरी माइन होगा, देन प्राइमरी, क्योंकि इधर तीन अल्काइल ग्रुप है, इधर दो और इधर एक है। बट अगर यहीं पर हमारा जो मीडियम है वो क्या हो जाए, अगर वो हमारा मीडियम हो जाता है एक्वस, एक्वस में तीन फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आप बताते हो सोल्वेशन इफेक्ट होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है। उसके बेस पे दो आप लोग ट्रेंड निकालते हो, एक 2-3-1, एक तो निकालते हो 2-3-1 और एक निकालते हो 2-1-3। 2-3-1 कब आता है, अगर आपका अल्काइल ग्रुप इथाइल है, इथाइल के अलावा कोई भी हो सकता है, और 2-1-3 कब निकालते हो अगर आपका अल्काइल ग्रुप मिथाइल है ना, व्हेन अल्काइल ग्रुप इज मिथाइल, ये देख लो सेकेंडरी सबसे ज्यादा, फिर प्राइमरी, देन टर्सरी। और अगर मैं इसकी बात करूं इथाइल ग्रुप सबसे बड़ा कोई ग्रुप है, सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी, है ना। आगे मूव करते हैं एरोमेटिक अमाइंस की, अगर मैं बात करूं एरोमेटिक अमाइंस थोड़े से कम बेसिक होते हैं अमोनिया से, क्योंकि देखो ये मेरे पास अमोनिया है ना, ये इसके पास लोन पेयर है तो ये इजीली अपने लोन पेयर डोनेट कर सकता है। जब बेंजीन आ जाता है, बेंजीन में क्या आती है रेजोनेंस, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज कर सकता है, अपने अंदर घुमा सकता है, तो इजीली नहीं डोनेट करेगा। तो एरोमेटिक अमाइंस कम बेसिक होते हैं, ठीक है। लिखा गया है बेसिक नेचर ऑफ एनिलीन और एराइल अमाइन वुड बी लेस देन दैट ऑफ अमोनिया, ठीक है ना। और बेसिक स्ट्रेंथ का क्या फंडा है भाई इनके, अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे कि मान के चलो ऑब्वियसली यार अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है लाइक CH3 EDG, ये बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और अगर यहीं पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए लाइक NO2, ये क्या करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं। लिखा गया है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाइक OCH3 CH3 इंक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, वेयर एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द बेसिक स्ट्रेंथ। आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ अमाइंस आर गवर्न्ड बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम। जो अमाइंस की रिएक्शन होती हैं वो उसके लोन पेयर से पता चलती है, इसके अलावा हाइड्रोजन एटम से भी आप मोस्टली रिएक्शन को पता करते हो। और हाइड्रोजन एटम कितने हैं, मान लो कहीं पर दो हाइड्रोजन एटम है वो प्राइमरी अमाइन है, एक हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी अमाइन है, और अगर एक भी अमाइन नहीं है तो वो टर्सरी है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमाइंस की रिएक्शन भी आप लोगों को अलग अलग देखने को मिलती है, इनको डिस्टिंग्विश करना भी आता है। अच्छा जैसे मैं अल्काइलेशन कर रहा हूँ, अल्काइलेशन या फिर होफमैन मोनोलिसिस है, यहाँ पर RH2 के साथ RX की रिएक्शन, प्रत्यक्ष बाहर निकलेगा सेकेंडरी माइन, फिर RX के साथ एक और बाहर निकल जाएगा, फिर RX के साथ, अब यहाँ पर लोन पेयर है तो लोन पेयर की वजह से हो रही है, जिसकी वजह से क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। एसाइलेशन में क्या होगा बेटा जी, आप लोग जैसे कि यहाँ पर RNH2 है, R का मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, एराइल ग्रुप भी हो सकता है, आप इसकी एसाइलेशन कराते हो, आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करा ली CH3CO Cl के साथ, तो इसका H और इसका Cl बाहर निकलेगा, ये बन जाएगा RNHCOCH3, H रिलीज H चला जाएगा इसका, ठीक है ना। अगर बेंजाइलेशन करवाना चाहूंगा, अगेन RNH2 है, इसका H और इसका Cl बाहर, RNHCO बेंजीन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद रख सकते हैं, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में लिया, रिपीट करो, कार में अमित को क्लोरोफॉर्म सुंघा के बेसमेंट में लिया, कार यानी कार्बाइल अमाइन, अमित यानी अमाइन, क्लोरोफॉर्म सुंघाने CHCl3 और बेसमेंट में ले जाना है। तो पहली बात मेटल लव नॉन मेटल, 3 KCl बाहर हो जाएगा, ये OH और 3H बाहर निकल जाएंगे, ये बन जाएगा RNC, RNC इज आइसोसाइनेट, इसी को हम लोग कार्बाइल अमाइन भी बोलते हैं, ठीक है। और इस रिएक्शन का यूज किया जाता है किसके लिए, प्राइमरी अमाइंस के टेस्ट के लिए, सिर्फ प्राइमरी अमाइंस के लिए, ये सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन पे रिएक्शन काम नहीं करती, ये 3Cl3K के साथ, ये 3OH इन 3H के साथ, और यहाँ पर RNC बदलता है। नाइट्रस एसिड की रिएक्शन जब आप कराते हो अल्काइल अमाइन के साथ तो क्या होगा भाई, यहाँ पर जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे HONO के साथ तो ये पोर्शन ऐसे हो जाता है, ROH बन जाता है, N2 बन जाता है, क्या बन जाता है भाई, एक N2 बन जाता है और एक बन जाता है H2, इस तरह से। आगे मूव करते हैं, अगर आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करना है तो पैरा टोलमिन सल्फोनिल क्लोराइड या फिर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जिसे हम हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं, ठीक है। पैरा टोलमिन कैसे होता है, अगर मैं यहाँ पर CH3 लगा देता और ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका यूज किया जाता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए। जितना छोटा अमाइन होगा उतने ज्यादा स्टेप देगा, जैसे प्राइमरी अमाइन के साथ आप कराते हो तो क्या होगा, यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर, ये क्या बन जाएगा
आर एन एच एसओ टू बेंजीन। फिर दोबारा से आप लोग इसकी रिएक्शन के ओ एच के साथ करवा सकते हैं। तो आपने देखा सोल्यूबल इन अल्कली, क्यों? क्योंकि ये एच चला जाएगा, उसकी जगह पर के आ जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन एसओ टू एन के, और इधर आर, और प्लस में बन जाएगा एस टू। अगर आप सेकेंडरी वाइन लेते हो, उसकी रिएक्शन करते हो बेंजीन सल्फोनियल क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा भाई, ये एच निकल जाएगा, इस सी एल के साथ क्या बनेगा, बेंजीन एसओ टू एन आर टू। आगे ये क्या होगा, इनसोल्यूबल इन अल्कली होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन नहीं है, जब तक नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है इसके स्टेप बढ़ते चले जाएंगे, इनसोल्यूबल इन अल्कली। अगर आप टर्शियरी माइन कराओ, नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन ही नहीं है तो एक भी स्टेप नहीं होगा। मैंने वो बोला था जितना छोटा माइन होगा, जैसे प्राइमरी माइन में ज्यादा स्टेप, प्राइमरी माइन ने दो स्टेप दिए, सेकेंडरी माइन ने एक स्टेप, और टर्शियरी माइन ने एक भी स्टेप नहीं दिया है। आगे बात करते हैं, प्रेजेंस ऑफ अमीनो ग्रुप इन एरोमेटिक रिंग इनहेंस रिएक्टिविटी ऑफ द एरोमेटिक माइन। रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक माइन कैन बी कंट्रोल बाय एसाइलेशन प्रोसेस बाय ट्रीटिंग विद एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्रेट। टर्शियरी माइन्स लाइक ट्राइमिथाइल अमाइन समझते हो, जिसके हर एक तरफ सी एस थ्री ग्रुप हो, इनका यूज किया जाता है इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट अट्रैक्टेंट्स के रूप में, कीट पतंगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट के रूप, अट्रैक्ट करने के रूप में। अच्छा, ये कह रहा है कि जो बेंजीन एनएच टू है, बेंजीन के ऊपर जब एनएच टू ग्रुप लग जाता है, बेंजीन के ऊपर जब अमीनो ग्रुप लग जाता है, तो इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो हमने इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करना है, इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं विद सी एस थ्री सी ओ सी एल, या फिर एसिडिक एनहाइड्राइड भी हो सकता था। तो यहाँ से ये एच और ये सी एल बाहर निकल जाता है, ये बन जाता है बेंजीन एन एच सी ओ सी एस थ्री। अब थोड़ा सा कंट्रोल वे में रिएक्शन करेगा। अब देखो लिखा भी है हमने, क्या लिखा है, एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ एनएच टू ग्रुप इन एनिलीन कैन बी कंट्रोल बाय प्रोटेक्टिंग द एनएच टू ग्रुप बाय एसिटाइलेशन विद एसिडिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि ये था ब्रोमिनेशन है, अब एनएच टू ग्रुप लगा है तो बहुत भयंकर तरीके से रिएक्शन होगी, है ना। अब हर जगह पर जितनी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा हर जगह पर बी आर बी आर बी आर लग जाएगी। बट अगर आपको उसको कंट्रोल करना है तो आप क्या करोगे, एनएच टू ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट करके, या सी एस सी सी ओ सी एल के साथ ट्रीट करके, तो लग गया फिर एक प्रोडक्ट मिलेगा आपको, पैरा बना दो, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट अगर आपको बनाना है, ठीक है। फिर आप लोग इसके बाद क्या कर सकते हो, इसकी रिएक्शन करवा सकते हो विद थ्री ओ एच नेगेटिव, नहीं, आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो विद एच टू ओ। एच टू ओ के साथ करवाने से क्या हो जाएगा, इधर ये NH2 आ जाएगा और इधर बन जाएगा सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक एसिटिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। नाइट्रेशन करवा दी आप लोगों ने, अगर आपने नाइट्रेशन करवाई है इसकी रिएक्टिविटी को कंट्रोल किए बिना, तो आपको ऑर्थो मेटा पैरा सारा प्रोडक्ट मिल जाता है। देखो पैरा पे भी अटैक होता है, 51% पैरा प्रोडक्ट बनता है, 47% मेटा प्रोडक्ट बनता है, और 2% ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है। बट अगर आप इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहते हो तो NH2 ग्रुप को प्रोटेक्ट करोगे, है ना, ऊपर से सी एस थ्री लगा रहेगा, फिर आप नाइट्रेशन करोगे तब आपको पैरा प्रोडक्ट मिल जाएगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है। आगे मूव करते हैं, एराइल डाइजोनियम सोल्ट, एराइल मतलब बेंजीन, जो डाइजोनियम सोल्ट होते हैं बेंजीन के ऊपर एन टू और एक्स, एक्स कुछ भी हो सकता है, सी एल नेगेटिव हो सकता है, बी आर नेगेटिव हो सकता है, एच एस ओ फोर नेगेटिव हो सकता है, बी एफ ओ नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम एराइलमाइन, हमारे पास एराइलमाइन है, एराइलमाइन किसे कहते हैं, जैसे बेंजीन के ऊपर क्या लग जाए, एन एस टू ग्रुप लग जाए, है ना, बेंजीन के ऊपर एन एस टू ग्रुप लग गया, इसकी रिएक्शन आप करा दो विद एच ओ एन ओ एच सी एल। अनिल को आपने क्या बना देना, डी सी, डी सी का मतलब होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, है ना। बेंजीन की जरूरत पड़ी है, दो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ी है, और एक क्लोरीन की, किस किस की जरूरत आपको नहीं पड़ी, दो हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, और ये दो ऑक्सीजन, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन क्या बन जाएंगे, टू एस टू। इस रिएक्शन को बहुत कम टेम्परेचर पर करवाया जाता है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। अनिल को, अनिल यानी एलिनिन को डी सी बनाना है, ओ नो एच सी एल का पानी निकल गया, एच ओ एन ओ की जगह आप एन एन ओ टू भी ले सकते हो, एच ओ एन ओ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए, रिएक्शन के बारे में भी लिखा गया है, और ये जैसे वेजिटेरियन बंदों के पास दो तीन ऑप्शन होते हैं, मोस्टली आलू और पनीर रहता है ना, वैसे ही ऑर्गेनिक में भी बहुत जगह पर ये बड़ी ऑप्शन की तरह काम करता है। अंडर गो रिप्लेसमेंट ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप विद अ वैरायटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स टू प्रोवाइड एडवांटेजेस एंड एडवांटेजियस मेथड्स फॉर प्रोड्यूसिंग एराइल हैलाइड, साइनाइड, फिनोल, बहुत सारे। जैसे कि देखो बेंजीन एन टू सी एल, हर बार एन टू सी एल हट जाता है, ठीक है। आप लोगों ने इसकी रिएक्शन करवा दी सी यू पॉजिटिव के साथ, तो बेंजीन बन जाएगा, सी एस थ्री सी एस टू एच के साथ करवा दी, तभी बेंजीन बन जाएगा। जब सी यू बी आर के साथ कराओगे ना, तो इसका नेगेटिव पोर्शन बी आर इधर जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव पोर्शन सी एल इधर जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव पोर्शन सी एल इधर जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव पोर्शन बी आर इधर जुड़ जाएगा, इसका नेगेटिव पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हट जाता है बेंजीन के ऊपर से, एन टू सी एल हट जाता है और नेगेटिव जुड़ जाता है सी एन, इसका आई जुड़ जाएगा, एच बी एफ फोर का एफ जुड़ जाएगा, एच टू ओ का नेगेटिव पोर्शन ओ एच जुड़ जाएगा। हर बार यही कह रहा है कि डाइजोनियम ग्रुप पूरा हट जाता है और उधर से न्यूक्लियोफाइल आ जाते हैं, ठीक है ना, नेगेटिव पोर्शन आके इस पे जुड़ते रहते हैं। अच्छा, अगर सी यू बी आर है, कॉपर का सोल्ट है, तो उसे सैंडमेन रिएक्शन बोलते हैं, अगर कॉपर पाउडर है तो उसे गैटरमैन रिएक्शन बोलते हैं, जब आप रिएक्शन एच बी एफ फोर के साथ कराते हो तो इसे बोला जाता है बाल्स्किमन रिएक्शन। अच्छा, जब डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हो फिनोल के साथ, ये लिपटे हुए बेंजीन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं,
या फिर एनिलीन के साथ। तो बेंजीन क्या है, जिसके सीएल के साथ बाहर निकलेगा, ये बेंजीन एन टू बेंजीन ओएच, इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एज बेंजीन। अगेन इसका एच सी एल बाहर निकलेगा अगर आप एनिलीन के साथ करो, बेंजीन एन टू बेंजीन एन एच टू पैरा अमीनो एज बेंजीन। तो यहाँ पर डाई बनती है, फिनॉल के साथ ऑरेंज कलर की डाई बनती है और अनिल के साथ एनिलीन के साथ येलो कलर की डाई बनती है। तो यह है आपका सिंपल सा अमाइंस, आप लोगों को आई थिंक समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बस एक हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है कि आप इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं और किस किस चैप्टर की समरी लेके आऊँ। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उस चैप्टर की उतनी जल्दी समरी आ जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द मिलते हैं। और इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल जो कि है केमिस्ट्री गुरुजी का नाम से। बाय बाय, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर, जय हिंद।